शहर में लॉकडाउन होते ही लोग अपने घरों में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं शहर के बेसहारा जरूरतमंद लोगों पर भुखमरी की नौबत पड़ी है। ऐसे वक्त में बीसीएन परिवार सोमवारी क्वार्टर के नौजवान साथियों द्वारा शहर के अलग अलग परिसर में रहने वाले बेसहारा जरूरतमंद लोगों को अनाज का वितरण किया जा रहा है। आइए डालते हैं एक नजर। बीसीएन ग्रुप परिवार और गौसिया मस्जिद सोमवारी क्वार्टर की जानिब से जरूरतमंदों को अनाज का वितरण किया जा रहा है, जिसमें चावल 10 किलो, आटा 5 किलो, तेल 1 किलो, तुअर दाल 1 किलो, मसाला पाउडर पाउच आदि का वितरण तारीख 18 मार्च से जरूरतमंदों को किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन रोज 200 किट के पार्सल शहर के अलग अलग परिसर में बांटे जा रहे हैं। इस वितरण कार्य में बीसीएन ग्रुप के तमाम सदस्य कार्यरत हैं। कलीम भाई, एजाज भाई, इशाक भाई, आरिफ भाई, हाजी रियाज भाई के साथ साथ ऐसे कई सोमवारी क्वार्टर के नौजवान युवा साथी इस काम को देशभक्ति के तौर पर काम कर रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, इस समय में इनबीसीएन की टीम सोमवारी क्वार्टर परिसर में। हम आपको बता दे कि पूरे देश में जब से संचार बंदी लागू हो चुकी है, लॉकडाउन जो हो चुका है, लोग अपने घरों में हैं। ऐसे में बेसहारा और कई ऐसे लोग हैं जो आए दिन नागपुर शहर के अलग अलग परिसर में अपना गुजर बसर करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर जब से लॉकडाउन हुआ है अब उन्हें खान और पान की जो चीजें हैं वो नहीं मिल रही है और वे लोग पूरी तरह से भूखे हैं। ऐसे में कुछ स्वयंसेवी संस्था है जो बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। ऐसे लोगों को कहीं अनाज बांटा जा रहा है तो कहीं खाना भी दिया जा रहा है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं सोमवार बीसीएन परिवार और सोमवार क्वार्टर के नौजवान साथियों द्वारा कुछ ऐसे जरूरतमंदों को। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का ये जो राशन का जो अंबार लगा हुआ है, पिछले 18 तारीख से उन्होंने लगातार कई क्विंटल माल लोगों को यानी जरूरतमंदों को दिया है और भी कुछ देना बाकी है। इस समय हमारे साथ में बीसीएन परिवार और सोमवार क्वार्टर के तमाम नौजवान साथी आइए उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे हाजी रियाज शेख हमारे साथ में। सर ये बताइए कि जिस तरह से आज ये काम का जो किया जा रहा है कितना महत्वपूर्ण है, क्या सही मायने में इसे देश सेवा कहा जाएगा? यस, इसे कहा जाएगा क्योंकि जब से हम लोगों को मालूम पड़ा है कि लॉकडाउन हुआ है और कई लोग ऐसे है अभी भी दवाखानों की बहुत हालत गंभीर है। जैसे कि हम लोग सुपर हॉस्पिटल है, मेडिकल है, यहाँ जो मरीज लोग हैं उनके जो रिश्तेदार लॉकडाउन के पहले से जो वहाँ रह रहे हैं उन लोगों के बेचारों के खाने के वांदे हो गए थे, तो हमने पहले दो दिन खाना बना कर पैकेट तैयार करके उन लोगों को बांटा। फिर हमको कुछ दिक्कतें आने लगी तो फिर हम लोगों ने तय किया कि अनाज बांटा जाए। तो हम लोग बीसीएन परिवार और सोमवारी कटो मजलिस मुंतजमा मस्जिद और मदरसा कमेटी के जो नौजवान लोग हैं इसमें आ गया है, आपस में चर्चा की गई, फिर इसको कैसा करना चाहिए ये हमने तय किया। उसके बाद हम लोगों ने पैकेट बना बना कर अलग अलग इलाकों में, जैसे कि ताजबाग का कुछ आउट एरिया है, उसके बाद हसनबाग के पीछे का एरिया है, खरबी के आगे का एरिया है, कई भांडेवाड़ी के साइड में है, ऐसे बहुत से जो नागपुर के दूर दूर के इलाके हैं इसमें हम लोगों ने ये अनाज पहुँचा रहे। इसमें हमारे साथ सहयोग में सोमारी कॉर्ड से विशेषकर कलीम शेख है, अशफाक शेख, अल्ताफ शेख है, मैं खुद हूँ और भी हमारे कुछ लोग यहाँ पर है जो इसको बांधने में हमारी मदद कर रहे हैं और विशेष हमारे बेसा से फिरोज भाई आए हुए हैं, वो भी इसमें सम्मिलित है इस कार्य में, और ताजबाग से हमारे सूफी इसाक अहमद है, इजाज़ भाई शेख है और मोहम्मद आरिफ भाई है, ये सब लोग मिलके ये काम को कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारे इसाक भाई है और वो आरिफ भाई है एक एक घर में जाकर देख रहे हो कि सही में इन लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, उनकी घर की कंडीशन क्या है, कि उनको कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से तय किया जा रहा है। एक लिस्ट बनाई जा रही है कि भाई कि हमको ये फलाने मोहल्ले में 10 से 20 लोगों के घर पहुंचाना है, फलाने दूसरे मोहल्ले में इतने जाना है। इस कार्य को करने में हम सब लोगों का सहयोग है। अभी मैं आप लोगों से ये करूँगा और मैं गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूँगा, ये तो हम लोग गरीबों के घर तक पहुँचा ही दे रहे, लेकिन अभी भी जो दवाखानों में मैंने जो शुरू में बताया कि जो लोग पहले से बीमार है, दवाखाने में भर्ती है अलग अलग बीमारियों के लिए, उनके साथ जो रिश्तेदार है रुके हुए, तो जो मार्केट में होटलें बंद है, कुछ चीज़ें खाने पीने की नहीं मिली, तो उन लोगों के बेचारों का आज भी हाल खराब है। तो मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि विशेष टीम को वहाँ भेज कर उन लोगों की स्थिति की पता करे कि क्या तकलीफ है उनको, उनको खाना मिल रहा नहीं मिल रहा, इसका ध्यान रखे। तो प्रशासन से मेरी ये अनुरोध है। थैंक यू। काफ़ी अच्छी प्रशासन से अनुरोध इन्होंने किया है। और भी कुछ नौजवान साथी उनसे जानना चाहेंगे, ये बताइए कि अब तक के कितना क्विंटल माल यानी जरूरतमंदों को दिया गया और कौन कौन से एरिया में दिया गया? ये लगभग हमारी बीसीएन परिवार और सोमवारी क्वार्टर के जवान लोग और मस्जिद कमेटी के सदस्य ये सारे लोग मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और अभी तक हमने रोज़ की 300 किट हमारी बनती है
और 300 किट वितरित होती है। और इसका जो हमने सिस्टम बनाया हुआ है, पहले तो हमारे जो भी फील्ड लोग हैं फील्ड पर जाते हैं और ओरिजिनल जिसको गरजमंद होता है, जिसको गरजू बोला जाएगा, उसको ज़रूरतमंद को जाकर ये अपने हाथों से वितरित करते हैं। और एक दिन में कम से कम 300 किट अभी बन रही है और हम ये 17 से 18 तारीख से जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू 300 किट पर डे, यानी लगभग 1000 से 1200 किलो माल, उसमें दाल चावल आटा तेल और मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर ऐसे एक किट बनाई जा रही है। ये लगभग एक किट 12 से 13 किलो की होती है और एक परिवार अगर इसमें 4 से 5 लोग भी है, अगर एक किट उनके पास अगर चले जाती है तो उनका 4 से 5 दिन का राशन उनका पूरा कंप्लीट हो जाता है। और हम अभी भी यही कोशिश कर रहे हैं, हम मांगने वालों को तो दे ही रहे हैं, लेकिन हम लोग ये कोशिश करना चाहते हैं कि जो खुद से मांग नहीं सकता और उनको ज़रूरत है, जिन लोगों के पास अनाज लेने के लिए आज पैसा नहीं है, हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। और इसके ये फील्ड वर्क के लिए हमारे पास 8 से 10 लोगों की एक अलग टीम है। पहले वो अपना फील्ड वर्क कंप्लीट कर एक लिस्ट लेकर आते हैं और आज की लिस्ट को हम कल बैठ के कंप्लीट करेंगे, कल उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। आज जो भी लिस्ट हमारे पास आती है कल हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे ही करके अब ये काम हम अंजाम दे रहे हैं। अब जैसा भी हमसे कोशिश होती है और आगे जितने दिन तक हम ये कोशिश जारी रखेंगे, हम चाहते हैं कि जब तक लोगों पर तकलीफ़ है ये तकलीफ़ को आसान करने में हमसे जितनी मदद हो सके हम मदद करना जारी रखेंगे। बिल्कुल, जितनी मदद करना चाहो उतनी मदद करने का इन्होंने आश्वासन दिया है, हो भी क्यों ना, क्योंकि लोग अब सबसे आगे होके आए हुए हैं एक दूसरे को मदद करने के लिए। इस समय हमारे सर में ऐसे एक नौजवान साथी है जो दिन रात इसके लिए पूरा काम कर रहे हैं, देश की सेवा करते हुए इन्होंने अब तक के हजारों लोगों को ये जो अनाज का वितरण बांटा है। ऐसे अल्ताफ शेखर भी हमारे साथ में। अल्ताफ जी, ये बताए कि जिस तरह से आज ये खाना जो बांटा जा रहा है, लोगों की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है, जब आप कई परिसर में गए, कई मुआयना किया, तो सबसे ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ें नज़र आई? डिमांड तो बहुत है हमारे, जिस तरह से 18 तारीख से हम पहले दिन से लंगर चला रहे हैं, मतलब वितरण कर रहे हैं, तो ये टीवी के सामने आने का हमारा रीज़न यही है कि हम जिस तरह से कर रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ कि नागपुर में ऐसी कई बड़ी हस्तियाँ है जिनके पास रुपया पैसा और अपने हैसियत के हिसाब से बहुत बड़े हैं, वो हमको देखकर या अपने लेवल पे अपने अपने एरिया में ये सब चीज़ें शुरू करें, ताकि गरीबों की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये लॉकडाउन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से और आगे बढ़ेगा, तो इस समय अपने को आगे आने की बहुत ज़रूरत है। बस इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा, बस हमारी मेहनत लगातार चल रही है और आखिरी दिन तक हम ये इसको वितरण को जारी रखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। तो बिल्कुल, आपने ये उम्मीद जताई है कि बहुत जल्दी ये लॉकडाउन हट जाएगा, और जैसे लॉकडाउन हट जाएगा तो लोगों को भी जो ज़रूरत उनको है, जो ज़रूरतमंद है उनको तो ये निश्चित तौर पर मिलने वाला है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि वो भी लोग जरूरतमंदी मैं कहा जाऊंगा, और ये जो सब अनाज जो दिख रहा है इसका एक एक दाना, और कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और वो खाने वाला जो जरूरतमंद है, ऐसे जरूरतमंदों को ढूंढ ढूंढ के ये बीसीएन परिवार और ये सोमवारी क्वार्टर के नौजवान साथी तमाम इस काम पे जुट चुके, मानो जैसे देश की सीमा के ऊपर जवान लड़ रहा हो। इसी प्रकार से हर परिसर में इस तरह के नौजवान साथी ये अपने मिशन पे लग चुके हैं, क्योंकि कसम खाया कि जरूरतमंदों को किसी भाल में भूखा नहीं रखा जाएगा, हर स्थिति हर परिस्थिति में डट के मुकाबला करेंगे कोरोना वायरस का, जन जागृति करेंगे, उसकी रोकथाम करने के लिए पूरे कड़े एहतियात भी बरतेंगे और जरूरतमंदों को जरूर खाना खिलाएंगे। और इस तरह की अच्छी पहल बीसीएन परिवार और सोमवार क्वार्टर के तमाम नौजवान साथियों द्वारा की जा रही है। सोमवार क्वार्टर से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, इन बीसीएन न्यूज नागपुर।